देवउठनी एकादशी पर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा और तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न हुआ, जहां गायत्री नगर के श्री रामेश्वर हनुमान मंदिर में 108 महंत श्री रुक्मणी देवी जी और ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल का अभिषेक किया गया। शहर के गायत्री नगर सहित पूरे इंदौर से पधारे श्रद्धालुओं ने अपने अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक व पूजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट अशोक सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान तुलसी विवाह के साथ देवउठनी एकादशी पर गाए जाने वाले गीतों ने सबका मन मोह लिया। महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ देवउठनी ग्यारस का पर्व मनाया गया। आयोजन में महंत श्री रुक्मणी देवी जी ने भक्तों से निवेदन किया कि सभी अपने घरों में अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कराएं। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार ने सबका मन मोह लिया और विधि विधान के साथ पंचामृत से सभी के द्वारा अभिषेक संपन्न हुआ और तुलसी विवाह किया गया। इंदौर गायत्री नगर स्थित धाम पर माता रुक्मणी देवी जो कि यहाँ की महंत पीठाधीश हैं, उनके सानिध्य में बहुत ही सुंदर आयोजन एकादशी के उपलक्ष्य में रखा गया। आज चूँकि देव उठनी एकादशी है, इस आयोजन में क्षेत्र की समस्त महिलाओं ने बहुत अच्छा बहुत सुंदर ये आयोजन किया। लड्डू गोपाल के अभिषेक, माँ तुलसी का विवाह, इस तरह के आयोजन आने वाली संस्कृति में हमारे धर्म सनातन का प्रसिद्ध इस तरह लहराते रहेंगे, इसी आशा के साथ बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। मेरा सदा नमस्कार आयोजन। आज देवउठनी एकादशी का पावन पर्व है। हमारे शास्त्रों के अनुरूप आज भगवान जागते हैं। अभी तक ये डिपार्टमेंट भोलेनाथ जी के हाथ में था, आज से भगवान विष्णु जी ये संभालेंगे, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो आज यहाँ रामेश्वर हनुमान मंदिर में सभी यहाँ जितने भी रहवासी संघ हैं, मैंने सभी अपने अपने घर से लड्डू गोपाल लेकर आए, ऐसा इन लोगों से निवेदन किया था, और सभी अपने घर से लड्डू गोपाल अपने अपने लेकर आए थे। तो एक सामूहिक अभिषेक का आयोजन हुआ था। अब सभी को मैं अपने लड्डू गोपाल इसलिए लेकर बुलाई थी क्योंकि ज़्यादातर ये होता है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है जो मैं आज जन जन तक पहुँचाना चाह रही हूँ। अधिकतर ये पाया जाता है कि हर अपने शास्त्रों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य है, परंतु सब अपने लड्डू गोपाल एक खरीद के लाते हैं और आकर उनकी पूजन अर्चन करते हैं, वो भी गलत नहीं है, पर जब हम मेहनत कर रहे हैं तो 100% मेरिट लिस्ट में आए ऐसा मैं चाहती हूँ, और ऐसा मैं अधिक से अधिक अपने भक्तों को बुलाती हूँ और भक्तों को एकत्रित करती हूँ, और वो सभी भक्तों से कहती हूँ कि जब आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो सीधे IAS अधिकारी बनो, यहाँ के नहीं बन पाए वहाँ के IAS अधिकारी बनना है आपको। इसलिए सबको अपने सब अपने लड्डू गोपाल लेकर आए थे और सभी अपने अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक किया, उससे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो सब लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा किया गया, सामूहिक एक अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया, और उसके बाद तुलसी विवाह का आयोजन रखा गया। और ये दोनों चीज़ धर्म के क्षेत्र में और समाज हित के लिए, इस विचार के साथ मैं ये सामूहिक आयोजन करवाती हूँ ताकि सामूहिक तौर पर धार्मिक आयोजन हो तो हमारा सनातन धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और सनातन धर्म जीवित रहे, जो आज के समय में अति आवश्यक है।